एक 20 साल के छात्र ने शेयर मार्केट में 215 करोड़ रुपए लगाए और एक महीने बाद स्टॉक्स बेचने पर उसे करीब 880 करोड़ रुपए मिल गए। यानी सिर्फ एक महीने में छात्र ने लगभग 664 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। छात्र ने कहा कि इस कमाई की वजह से पेरेंट्स को उनकी किडनैपिंग का डर सताने लगा है। दरअसल ये मामला अमेरिका का है। 20 साल के इस छात्र का नाम है जेक फ्रीमैन। वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया का छात्र है। जेक अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा है। उसने बेड बाथ एंड बियॉन्ड कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे। जेक ने जुलाई में 440 रुपए के हिसाब से करीब 50 लाख शेयर खरीदे थे। जब एक महीने बाद ही स्टॉक की कीमत 2160 रुपए तक पहुंच गई तो उसे बेच दिया। जेक फ्रीमैन का कहना है कि उसने दोस्तों और परिवार के लोगों से ही पैसे उधार लेकर शेयर मार्केट में लगाए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले ही हफ्ते कंपनी के CFO गुस्ताफो अर्नल ने 52 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। इससे पहले उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। दावा है कि कंपनी ने कुछ लोगों के फायदे के लिए धोखाधड़ी कर आम लोगों के 96 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इससे शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आ गई और अब बेड बाथ एंड बियॉन्ड के शेयर की कीमत गिरकर 560 रुपए यानी लगभग $7 पहुंच गई है। इसके बाद कंपनी ने कई स्टोर बंद करने और स्टाफ की छटनी करने का भी ऐलान कर दिया है। dailymail.com से बातचीत में जेक फ्रीमैन ने अपने करोड़ों रुपए की कमाई को लेकर कहा कि मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद मुझे कोई किडनैप कर लेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जेक फ्रीमैन ने बताया कि उन्होंने चाचा के साथ स्टॉक्स को लेकर बातचीत के बाद करीब 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने दावा किया कि कंपनी की धोखाधड़ी और कंपनी के CFO की सुसाइड से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। जेक ने कहा कि स्टॉक की कीमत में इतनी जल्दी तेजी आई कि मैं भी शॉक्ड रह गया। शुरुआत में मैंने 6 महीने के लिए स्टॉक खरीदा था, लेकिन फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने समय से पहले ही इसे बेच दिया। जेक ने दावा किया है कि करोड़ों की कमाई के बावजूद उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। उसने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मेरे बारे में कोई नहीं जानता है। मैं अभी भी आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं और कमाए हुए पैसों को लेकर मैंने अब तक कोई प्लान नहीं बनाया है। ऐसे में ये देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जेक के हाथों कोई लॉटरी लग गई हो, मगर उन्होंने जो दिमाग लगाया और 20 साल की उम्र में इतने सारे पैसे खर्च करके एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, उससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। हालांकि हम आपको ऐसी कोई भी चीज करने की सलाह नहीं देते हैं। किसी भी शेयर में आप देख समझ कर ही इन्वेस्ट करिए और आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।